हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कॉन्फिस्केटिंग एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। कॉन्फिस्केशन में क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए हमारे पास, आप चाह के भी इसको रिकवर नहीं कर सकते। नॉर्मल। चलो, जब एक ऑर्डर पास होता है कि एक प्रॉपर्टी क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी, तो उसको हमने क्या दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट बिफोर कॉन्फिस्केटिंग द प्रॉपर्टी। सुन लो, ठीक है। पहला पैराग्राफ में मैंने बोला कि जब एक ऑर्डर पास हो जाता है कि एक प्रॉपर्टी क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी है, तो बिफोर कॉन्फिस्केटिंग हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया है, ठीक है, कि हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना है तो आप कह दो, ठीक है। फिर मेक द ऑर्डर कॉन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बेनामी प्रॉपर्टी वेयर एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग। देखो, अपील का मौका मिलता है, ठीक है, तो द कॉन्फिस्केशन प्रॉपर्टी शैल बी मेड सब्जेक्ट टू ऑर्डर पास बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल। फर्दर कॉन्फिस्केशन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब मैंने क्या किया, इससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड मिली और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने ही जा रही थी, इतने में उसने जाके अपील कर, कॉन्फिस्केशन रुक जाएगा, ठीक है, वो वापस अटैचमेंट वाले स्टेज पे रह जाएगा और अपील का जब डिसीजन आएगा तब प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्फिस्केट होगी। हाँ, जब तक अपील का चल रहा है, ठीक है। दिस सेक्शन अबव शैल नॉट अप्लाई टू द प्रॉपर्टी हेल्ड और अक्वायर्ड बाय पर्सन फ्रॉम द बेनर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन प्रायर टू द इशू ऑफ नोटिस विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। मतलब कि जहाँ पे प्रूफ डिक्लेयर हो गया है वहाँ तो आपको अपील करने का मौका ही नहीं है। क्लियरली आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कॉन्फिस्केट हो रही है, तो हमने इतनी कहानी आपके साथ बिछानी ही नहीं है। आपने नोटिस भेज दिया था हमने आपको, आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई है, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं था ये प्रॉपर्टी कहाँ से आपके नाम पे है। अब वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड ऑल राइट्स एंड टाइटल किसके पास चले जाएंगे, वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो तभी कॉन्फिस्केटिंग एंड वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, विथ जितने एनक्रम ब्रांचेस, अगर तुमने इस प्रॉपर्टी के बदले लोन वगैरह भी लिया है वो सब वॉइड हो जाएगा, और इसके बदले हमने आपकी प्रॉपर्टी ले ली, इसके बदले का हम आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, ठीक है, बल्कि और पेनाल्टी ले लेंगे। एनी राइट और थर्ड पर्सन क्रिएटेड इन सच राइट विद अ व्यू डिफीट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड। मतलब कोई बोल रहा है मेरा इस प्रॉपर्टी में अभी भी राइट है, मॉर्गेज क्रिएटेड है, ये वो सब नल एंड वॉइड। नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज मेड अपॉन द प्रोसीडिंग अंडर द एक्टिंग अटेनिंग फाइनैलिटी, नो क्लेम शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कि गवर्नमेंट भी कोई क्लेम नहीं बोल सकता कि मेरा कोई क्लेम पेंडिंग वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड कॉन्फिस्केट। एक बंदा हमने पढ़ा था जब हम ऑफिसर्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करता है, और फाइनल डिसीजन देता है, और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, ठीक है, तो उसके पास पावर है टू रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन रिलेशन ऑफ एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। मतलब कॉन्फिस्केशन हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटीज आएगी, प्रॉपर्टी देखेगा, मैनेज करेगा, गवर्नमेंट के पास सारे राइट्स एंड टाइटल सारे किस तरीके से पहुंचाने, ये सारे काम किसके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के, और इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो ये सब रूल्स में प्रिस्क्राइब है। उसको वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश करके लिखित में उसको दिए हैं। शैल टेक ऑल सच मेजर्स एज सीजी में डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब सीजी बोल रहा है ये प्रॉपर्टी को बेच दो, तो वो बेच देगा, ठीक है। पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटर शैल प्रोसीड टू टेक द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाती है, तो पोजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ओनरशिप किसके पास है, सीजी के पास, ठीक है। अब ऑन नोट बाय नोटिस इन राइटिंग ऑर्डर विद 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एनी पर्सन हु मेड इन पोजेशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी टू सरेंडर डिलीवर पोजेशन। अब क्या होता है, कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ गया, मैनेजमेंट किसके करना है, एडमिनिस्ट्रेटर ने। अब प्रॉपर्टी अभी भी तो वही है ना, मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते, किसी ने बहुत सारा सोना लेके रखा है,
ठीक है, बिना में ट्रांजेक्शन करके, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा ना, भाई ये प्रॉपर्टी हम पे डिलीवर करो, अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घुस घर में घुस के फोर्सफुली तुमसे ये लेके जाएंगे। पहला हम इज्जत से 7 दिन का नोटिस देते हैं कि सारी प्रॉपर्टी जहां जहां है तुमने ये बेनामी से कमाई है, जो हमने कॉन्फिस्केट करी है, वो हम तक डिलीवर करो, सारा पोजेशन हम पे ट्रांसफर करो, सारी प्रॉपर्टीज हमारे तक वेस्ट करो। सेकेंड पॉइंट में कि नहीं मानोगे तो हम फोर्सली भी तुमसे ले लेंगे वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले इज्जत से कितना टाइम दे दो, 7 दिन। तो जैसे ही ऑर्डर आया उसके 7 दिन में उसको दे दो एक नोटिस, मेकिंग मे बी इन पोजेशन ऑफ द बेनामी टू सरेंडर डिलीवर पोजेशन देयर ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेटर और एनी अदर पर्सन जिसको भी हमने ऑथराइज किया राइटिंग में, वो जाके उससे वो प्रॉपर्टी ले लेगा। इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, मतलब नहीं मांगोगे तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेंगे, इमीडिएट पोजेशन ले लेंगे, और ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे, आपके अगेंस्ट वारंट है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, फोर्सबिली टेक ओवर द पोजेशन रिक्वजिशन बाय सर्विस ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर टू असिस्ट हिम। तो खुद नहीं जाता एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं जाके प्रॉपर्टी लेके आओ। क्लियर है, एपीलेट ट्रिब्यूनल सबको पता है। ठीक है, अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से खुश नहीं हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर से वो सब करा रहा है हम उससे खुश नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, और अपील भी उन्हीं बातों पे होंगी जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे गाइडेड रहता है। ये टॉपिक्स रीड वाले हैं। ओके, अपील टू हाई कोर्ट, एपीलेट ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हो तो किसके पास जाओगे, हाई कोर्ट के पास। ठीक है, वो रेरा के केस में मैं एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, हर एक्ट में असली उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, एफईओ का है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आना, तो उन लोग इसीलिए एक्ट में स्पेसिफाई कर देते हैं। अब जैसे ये वाला, ये स्टेट मैटर नहीं है, ठीक है, वो जो मैंने टर्म बोलती थी वो रेरा के लिए बोलती कि स्टेट मैटर है तो अपील किसके पास जाएगी, आपके हाई कोर्ट के पास। अब ये स्टेट मैटर नहीं है, जाना तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, पर क्योंकि बेनामी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो उनने एक्ट में लिख दिया कि अपील हाई कोर्ट को कर दो, नहीं होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट आता ही है वैसे भी, तो पहले एक स्टेज पे वो हाई कोर्ट को भी डील करने का मौका देते हैं। ठीक है, फिर स्पेशल कोर्ट्स क्या बनाए हैं इन लोगों ने, इसमें कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया, स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर किया कि ताकि सारे बेनामी वाले जितने भी केसेस हैं वो सारे स्पेशल कोर्ट्स में चले जाए। इसको अभी रीड कर लो कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक या मोर कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर दिया एज स्पेशल कोर्ट्स टू अटेन या टू जज द केसेस ऑफ बेनामी, जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस होंगे, तो नोटिफाई कर दिया कि ये वाला स्पेशल कोर्ट होगा, ये वाला स्पेशल कोर्ट होगा। जितनी जल्दी हो सके ये केसेस ट्रायल पे जा सके, इसीलिए हम स्पेशल कोर्ट्स बनाते हैं, फटाफट इनका रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट देखो, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, किसी को याद है बेनामी ट्रांजैक्शन की पेनाल्टी अभी क्या है, अमेंडमेंट के बाद 1 साल से 7 साल और 25%, मतलब अप टू मे एक्सटेंड टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, वही दी हुई है उन्होंने कि अगर कोई भी पर्सन, पहले तो उन्होंने इस ऑफेंस को डिफाइन किया हुआ है, रिलेट्स टू द पेनाल्टी ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। ठीक है, एनी पर्सन एंटर्स इन टू बेनामी ट्रांजेक्शन ऑर्डर डिफीट द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ या अवॉइड द पेमेंट ऑफ एनी स्ट्रेटजीज जैसे कि इनकम टैक्स, अवॉइड द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, बेनिफिशियल ओनर, बेमिंदार और एनी अदर प्रॉपर्टी, हो अबेट्स यानी बोल रहा है, ठीक है,
एक प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है एनी पर्सन टू एंटर इन टू, मतलब जबरदस्ती या फोर्सफुली आपने किसी को बोला है कि बेनामी ट्रांजेक्शन में एंटर हो जाओ, शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन. बेनामी ट्रांजेक्शन की जो भी गिल्टी होगा उसको रिगरस इंप्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 1 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, जो हमने पहले पढ़ी है. दूसरी है पेनाल्टी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दो ही पेनाल्टीज हैं क्योंकि बच्चे इसमें, ठीक है. दूसरी है फॉल्स इन्फॉर्मेशन. फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे मतलब हमने आपके इंस्पेक्शन में आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे तो आपने झूठे जाली डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है नॉट लेस देन 6 मंथ्स, विच में एक्सटेंड्स टू 5 ईयर्स, ऑल्सो शैल बी लाइबल, विच में एक्सटेंड टू 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू. तो 25% और 10%, 1 साल और 1 साल से 7 साल, और यहाँ 6 महीने से 5 साल, दो ही पेनाल्टीज है, तो दो याद करना बहुत ईजी होगा. जी श्रेयान, तुम्हारी मॉड्यूल में लग गए स्टिकी नोट सारे पेनाल्टीज के? हाँ अब लगा लेना, अब लग जाएंगे मेरे हिसाब से, बोल बोल के थक गए, लेकिन इंस्टीट्यूट चमत्कार करवाता है. चलो, ऑफेंसेस बाय कंपनीज हर एक्ट में होता है, ठीक है, कि अगर कंपनीज के अगेंस्ट आ रहा है तो उनके जितने ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट है वो भी लाइबल होते हैं और कंपनी भी लाइबल हो जाती है. ठीक है, खत्म हो गया, इजी था.